यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से अलग है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। मित्रों, यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। वही अंबेडकर साहब जिन्होंने जाति प्रथा के लिए देश में सबसे बड़ा मोर्चा खोला था। वही अंबेडकर जिन्हें संविधान निर्माता की उपाधि हासिल है। 1950 के दशक में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के समर्थन में लिखे गए एक लेख में कही थी, अंबेडकर का मानना था कि धर्म के बिना भारत के दलित समाज का उत्थान नहीं हो सकता, मगर उनका यह भी मानना था कि जिस हिंदू समाज से यह दलित समाज जुड़ा है उसके रीति रिवाज कभी भी दलितों का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था दलितों का शोषण करती ही रहेगी। इसलिए अंबेडकर जी ने पहले ही सोच लिया था कि जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली है उसमें आखिरी सांस नहीं लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि भारत भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए, मगर वो आज़ादी तब तक असली आज़ादी नहीं होगी जब तक कि भारत से जाति प्रथा खत्म नहीं हो जाती। इस असली आज़ादी की तलाश में अंबेडकर जी ने दलित समाज से हिंदू धर्म छोड़ने की अपील कर दी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद कौन सा धर्म इस शोषित वर्ग के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। लंबे समय से इस सवाल के जवाब की तलाश करते हुए आखिर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ 3 लाख से ज़्यादा दलित लोगों ने भी एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। आज़ादी के बाद भारत के इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना थी। आज इस घटना को हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि अंबेडकर ने बहुत से धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। मगर यह जानने के पहले अंबेडकर जी के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अंबेडकर साहब के जीवन से शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अक्टूबर 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। यहाँ उनके पिता ब्रिटिश सेना में काम करते थे और वे जात से महार थे। उनके पिता का नाम रामजी भालोजी सकपाल और माँ का नाम भीमाबाई था। छोटी उम्र में ही अंबेडकर साहब को अपने साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशानी होने लगी थी, पर इस भेदभाव के बावजूद भी अंबेडकर साहब ने अपनी पढ़ाई से अपना ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया। भीमराव अंबेडकर जी की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक अध्यापक थे जो ऊंची जात से होने के बावजूद उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्ण जी केशव अंबेडकर। कृष्ण जी ने ही अपना सरनेम भीमराव अंबेडकर जी को दिया था। भीमराव के शिक्षकों के बार बार कहने पर उनके पिता राम जी भीम की पढ़ाई के लिए बॉम्बे रवाना हो गए। बॉम्बे पहुंचकर भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में से एलिफेंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। बड़े शहरों में जीवन शैली गांव से ज़्यादा आधुनिक थी, लेकिन यहां भी अंबेडकर जी को अछूत जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो बहुत अलग और ख़राब हैं। इस तरह के भेदभाव का सामना अपने मशहूर स्कूल में भी करना पड़ता था। इस बीच 17 वर्ष की उम्र में भीमराव जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय से ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रमाबाई से करा दी गई। उस समय जल्दी शादियां होनी आम बात होती थी। शादी के बाद भी भीमराव जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट की परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। मगर आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर जी को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। उस स्कॉलरशिप से न सिर्फ उन्होंने बीए पास किया बल्कि 1913 में अमेरिका के मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्ड में दाखिला भी लिया। 2 साल के अंदर ही एमए की डिग्री हासिल कर ली और अगले साल अपनी पीएचडी सिज भी पूरी कर ली। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, मगर स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से वहाँ से पीएचडी पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए। यहाँ बड़ौदा में भी उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद ज्वाइन कर लिया। तब उन्हें लगा कि इतनी ऊंची पोस्ट हासिल करने के बाद उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं ही होगा, लेकिन वे गलत साबित हुए। जाति व्यवस्था उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ी। ऑफिस का चपरासी भी उनकी जात की वजह से उनके साथ भेदभाव करता था, इसलिए वो यहाँ पर भी नौकरी नहीं कर पाए।
1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडनहैम कॉलेज में लेक्चरर बन गए। यहाँ छात्रों के बीच एक प्रतिभाशाली शिक्षक और विद्वान के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। इसी समय उन्होंने मराठी अखबार मूकनायक की शुरुआत की थी, जो अछूतों की आवाज बनी। इसी तरह न सिर्फ उन्होंने सम्मेलनों का आयोजन किया, बल्कि दूसरे सम्मेलनों में भी शामिल होना शुरू किए। दरअसल वो जान चुके थे कि दलितों की समस्याओं को दुनिया के सामने उजागर करना जरूरी है। दुनिया के सामने उनकी समस्या रखे बिना उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। उनकी खुद की जिंदगी ने ही उन्हें संघर्ष की अहमियत समझा दी थी। इन संघर्षों के बीच वो अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी करने के लिए लंदन भी गए। वहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। अब वे दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर चुके थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के उत्थान में ही लगा दिए। आगे शिक्षा के महत्व को जानते हुए भीमराव ने 1924 के बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इस सभा का काम हॉस्टल, स्कूल, मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। इसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह हो या फिर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना या फिर संविधान सभा में दलित अधिकारों के लिए आवाज उठाना, सभी जगह भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की मुक्ति के लिए ही काम किया। इन सबके बीच 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर ने नासिक में घोषणा की वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके एक साल बाद 1936 में महार सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया, मुक्ति कोण पथे, जो मुक्ति का मार्ग क्या है के नाम से लोकप्रिय हुआ। इस भाषण में उन्होंने तर्क के साथ बताया कि दलितों को अपना धर्म क्यों बदल लेना चाहिए, मगर वो 20 सालों तक यह तय नहीं कर सके कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। मगर सवाल है कि बौद्ध धर्म ही क्यों? दरअसल अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सभी धर्मों के बारे में विचार किए थे। अगर उनके शुरुआती लेख और लेक्चर्स को देखें तो वो इस्लाम की ओर झुके हुए दिखाई देते थे। 1929 में बहिष्कारी भारत के एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वे लिखते हैं कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। उनके इस रवैये से हिंदूवादी संगठन को खतरा महसूस होने लगा था। इन संगठनों ने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ ही सालों में अंबेडकर जी को सिख धर्म में भी जाति प्रथा दिखाई देने लगी, इसलिए उन्होंने सिख धर्म का विचार छोड़ दिया। अब अगर बात करें बौद्ध धर्म के चुनने के पीछे उनके सोच की, तो इस सवाल का जवाब बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम के एक आर्टिकल में देख सकते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चार धर्मों की तुलना की है। इस तुलना में उन्होंने बौद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को शामिल किया है। इन चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और उनके अवतारों के बारे में लेख में विस्तार से बताया गया है। इसमें उन्होंने यीशु के बारे में बताया है कि यीशु खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जिसे भी ईश्वर के पास पहुँचना है उन्हें यीशु को भगवान का बेटा मानना होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम के साथ भी था। मुक्ति चाहने वालों को मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानना था। साथ ही यह बात भी स्वीकार करनी थी कि वे ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ईश्वर कहते थे, खुद को ही परम पिता परमेश्वर की संज्ञा देते थे। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं किया। बौद्ध धर्म से अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यीशु, पैगंबर मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहां खुद को ही मुक्ति, मोक्ष का दाता कहा, वही बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया जिस पर चलना सबको खुद से ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अंबेडकर को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो कि बाकी किसी और धर्म में नहीं दिखी। साथ ही बुद्ध के उद्देश्यों में उन्होंने यह पाया कि इस धर्म में भूतकाल का दबाव या बोझ बिल्कुल भी नहीं था, मतलब जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होने की संभावना है, जबकि बाकी के किसी भी तरह के धर्म में किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। इन्हीं सब बातों से प्रभावित हुए अंबेडकर धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। इस तरह वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें वैज्ञानिकता मौजूद हो, जो उन्हें आखिरकार बौद्ध धर्म में ही मिली।
बौद्ध धर्म चुनने के पीछे उनका एक और बड़ा कारण था, और वो कारण था महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। दरअसल बौद्ध धर्म में महिलाओं की जो स्थिति तय की गई थी, अंबेडकर उसे समानता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। उनका यह कहना था कि दुनिया ने बुद्ध को केवल अहिंसा तक सीमित कर दिया। अहिंसा अपने आप में एक महान सिद्धांत जरूर है, मगर बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की भी शिक्षा दी है। इस तरह पुरुष और स्त्री को एक समान मानने वाला बौद्ध धर्म एकलौता धर्म था। बुद्ध जहाँ सूत्रों को भी अपने साथ बिठाते थे, तो वहीं अपने संघ में स्त्रियों को भी भिक्षु बनने की इजाजत देते थे, जो उनकी उस समय प्रगतिशील सोच का उदाहरण था। इसे अंबेडकर दलित और स्त्री अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इन्हीं सब कारणों से आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के विचार से गांधी जी कभी भी खुश नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं जिसे उतार कर बदला जा सकता है। गांधी जी समाज सुधार के रास्ते से ही दलितों के उत्थान में विश्वास रखते थे, मगर बाबा साहब गांधी जी के राय से सहमत नहीं थे, इसलिए अंततः उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। हालांकि यहाँ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर अपना धर्म तो बदलना चाहते थे, यहाँ वो गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो भारत के सनातन परंपरा से ही निकला हुआ एक धर्म था। यह धर्म किसी और देश से भारत नहीं आया था। ऐसा करने से उन्होंने अपने और गांधी जी के मतभेदों को बनाए भी रखा, और गांधी जी के सनातन धर्म की अवधारणा से दूर भी नहीं गए। आपको बता दें कि इन बातों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, यह केवल दावे हैं। अंबेडकर जी के इस धर्म परिवर्तन को इतिहास में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया। इस आंदोलन से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस वजह से 1950 के दशक तक जहां देश में महज 1.5 लाख लोग ही बौद्ध थे, वहीं 1960 के दशक तक यह संख्या 32 लाख तक पहुँच गई। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अम्बेडकर साहब की मृत्यु हो गई। उनके मौत के बाद यह आंदोलन ज्यादा आग नहीं पकड़ सका और धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। आज भी हम लोग दलितों के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की खबरें सुनते रहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ही प्रेरित कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से समाज में फैली हुई गहरी जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, वह काफ़ी हद तक सफल भी हुए। उनकी वजह से आज देश में दलित समाज के लोगों के जीवन में शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक जगहों पर उनकी उपस्थिति को तय किया जा सकता है। उनके इन प्रयासों में ही धर्म परिवर्तन के आंदोलनों को देखा जा सकता है। इस आंदोलन के जरिए वो लोगों को 4 वर्ण की इस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से भले ही सफल नहीं हुए, मगर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध जताने के लिहाज से जरूर सफल माना जा सकता है। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मित्रों।